विश्वचषकाच्या रणांगणात रोहित शर्माच्या भारतीय संघाचा सामना आज बांगलादेशशी होतोय हा सामना पुण्यातल्या गहुंजेच्या ए स्टेडियमवर खेळण्यात येतोय टीम इंडिया तीन विजयासह गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानी आहे विश्वचषकातील सलामीच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया त्यानंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचा पराभव करत भारताने तीन सामने जिंकले आहेत भारताचा सायन कुमार आणि बांगलादेशचा दिवाण आरिफिन कोलकातामध्ये एकाच कॉलेजमध्ये मेडिकलचं शिक्षण घेणारे हे मित्र आपापल्या आप देशाला चिअर करणार आहेत विजय कोणाचाही झाला तरी मॅच नंतर दोघे आनंद साजरा करणार आहेत त्यांच्याशी संवाद साधलाय नाझीम मुल्ला यांनी क्रिकेट वर्ल्ड मध्ये आज भारताचा सामना बांगलादेशसोबत आहे खर तर क्रिकेट हा मैदानात जेव्हा खेळला जातो त्याच वेळेला एक युद्ध होतं मैदानाच्या बाहेर मात्र सगळेच खेळाडू आपापले मित्र असतात तशीच एक मैत्री आत्ता आपल्यासोबत आहेत हा आपल्या भारताचा फॅन आहे आणि हा आहे बांगलादेशचा फॅन दोघं मित्र आहेत एकाच कॉलेजमध्ये आहेत आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत आपका नाम बघे मेरा नाम जुवान आरेफिन आपका सायन कुमार क्या करते आप दोनों एक साथ में क्योंकि आप एक साथ में आए आज मॅच देखणं हम दोनों एक क्लास में एक ही साथ पढ़ाई करते हैं एक इंस्टीट्यूशन में तो इसके वजह से हम लोग ये खेला देखने के लिए आया तो ऑब्वियसली आप दोनों साथ में आए हैं लेकिन चेयरिंग कैसे होगा आज चेयरिंग तो इंडिया के लिए होगा कोहली के लिए होगा मैं चाहता हूँ बांग्लादेश खेले अच्छा लेकिन जीतेगा इंडिया और एक कोहली का शतक चाहिए दोस्त आपके बोल रहे कोहली को आप किसको करेंगे चेयर वो कैसे गद्दार हो सकता है वो खुद का देश के लिए वो बोलेगा ठीक है ये तो सही है मैं मेरा देश के लिए बोलूंगा ठीक है बांग्लादेश जरूर जीतेगा हमारा आशा है भरसा है बांग्लादेश के लिए लास्ट मैच बांग्लादेश जीता था तो वी होप विल विन दिस मैच पिछला कौन सा मैच याद आ रहा है भारत और बांग्लादेश का ऐसा हुआ था जिसमें बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला है भारत को हराया है मुझे तो 2007 की याद आ रही है नहीं 2007 साल नहीं ये लास्ट मैच हुआ था एशिया कप का ना वो एशिया कप में वो बहुत अच्छा खेला था तंजीम हसन बोल के एक नया एक पेस बोला था तो वी होप यू विल प्ले गुड हमारा प्रैक्टिस मैच था इसी कप में बेटा कुछ भी बोले बाप बाप होता है अच्छा <laughs> पर आपको क्या लग रहा है आज जिस तरह से 2007 का मैच देखा था और अभी लास्ट में चार मैचेस जो हुए हैं जिसमें अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है और नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है वैसे तो बांग्लादेश को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते लेकिन टीम तो इंडिया है जो कोई जो भी हो इस साल वर्ल्ड कप हमारा ही है ग्यारह साल के जैसा विराट कोहली रोहित शर्मा वर्ल्ड कप लेके ही जाएंगे धोनी को कोई नहीं टाल सकता अच्छा अभी आपका दोस्त जीत गया तो क्या सेलिब्रेशन होगा सेलिब्रेशन तो होगा क्योंकि यह तो इंडिया का ग्राउंड फील्ड है तो इंडिया तो इधर तो फेवरेट है कौन जीतेगा फिर आज बांग्लादेश जीतेगा इंडिया भाई क्या बात कर इंडिया इंडिया ही जीतेगा <laughs> क्या आपके दोस्त बोल रहे हैं बांग्लादेश मैंने पहले भी बोला बेटा कुछ भी बोल सकता है बाप बाप होता है बाप ही जीतेगा कौन हावी होगा उनपे क्या लगता है आज इनका अल हसन वगैरह अच्छा खेल सकते हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कोहली एक शतक करेगा रोहित शर्मा भी हमारा फॉर्म में है तो पहले बैटिंग ले या बाद में जीतेंगे तो हम ही उसमें कुछ शक नहीं है एबीपी मासा बघा नीट